तो बाबा क्या हाल है अब फिलहाल हाउस ऑफ द ड्रैगन के लिए कौन कौन कितना एक्साइटेड है? फिलहाल अभी तक काफी लोग हो ही गए होंगे जो स्टार्टिंग से बोर हो रहे थे, लेकिन आफ्टर एपिसोड 4 जो लास्ट में हमें देखने को मिला है एपिसोड 4 के भाई वो सारा गेम चेंज करके गया है और एपिसोड 5 भी शायद उसी ही एक्साइटमेंट में देखा होगा। तो बाबा एपिसोड 5 में इतना कुछ दिखाया नहीं गया है, लेकिन यस प्लॉटिंग करी गई है, स्टोरी प्लॉट हुई है और एपिसोड 6 जो चीख चीख के कहने वाला है वो एपिसोड हमें पहले ही बता के गया है, जिसकी पहली झलक हमने एपिसोड 4 के एंडिंग में देख ली थी कि बाबा क्या होने वाला है, वॉर होने वाला है, ड्रैगन वॉर होने वाला है, क्योंकि यस ये तैयारी चल रही है। अब यहाँ पर अपने किंग्स लैंडिंग पर भाई साहब एमंड अब किंग का पद संभालने लग गया है, क्योंकि अपना किंग अभी पूरा इंजर्ड हो चुका है, तो एमंड को फिलहाल किंग नहीं बनाया गया है, लेकिन हाँ वो जो सत्ता है, वो जो पावर है, उसे देखने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए एमंड को ही बनाया गया है। ऑलमोस्ट वो किंग का ही काम करने वाला है। एंड एमंड के लिए भाई उसकी सबसे ज़्यादा रिटालिएट करती है उसकी माँ, क्योंकि सीनोज द डार्क रियलिटी ऑफ एमंड द डार्क फेट एंड गोर, जिस हिसाब का गोर एंड टॉक्सिकनेस उसके अंदर है कि भाई इसके हाथ में एक बार पावर आएगी तो ये ना अच्छों को बख्शेगा ना ये बुरों को बख्शेगा, बस ये तबाही ही तबाही करने वाला है। और एमंड के वो एटीट्यूड में, वो जेस्चर में पूरा झलक रहा है कि बाबा ये गोर आने वाला है और खतरनाक आने वाला है। तो एमंड भाई फुल आते ही अपने रिवरलैंड की ओर इशारा करता है कि बाबा वहाँ पर हमें चढ़ाई करनी है, एंड ही नोज बेटरली कि भाई साहब रिवरलैंड पर डेमन टारगेरियन पहले से ही बैठा पड़ा है, और डेमन टारगेरियन जिसके नाम से ही पूरी प्रजा कांपती है सेवन किंगडम्स में, जिसका बोलबाला है, भाई एमंड के जरा से भी डर की वो झलक देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ भाई साहब डेमन की बात करें इस एपिसोड 5 में, तो बाबा वो अपने ही काम में उलझा पड़ा है। एक तरफ वो किंग बनना चाहता है, अपनी आर्मी तैयार कर रहा है, लेकिन रिवरलैंड में ही सिविल वॉर के चलते वो इतना ज़्यादा परेशान दिख रहा है, क्योंकि ब्रैकेंस एंड ब्लैकवुड ये दो हाउसेज हैं जो जन्मजात ऐसे राइवल हैं, खून के जानी दुश्मन हैं, जो आपस में लड़ते रहते हैं, और वो चाहता है कि ये दोनों पावर अगर मेरे को मिल जाए तो भाई साहब मेरे लिए आसान हो जाएगा हर किसी को मार गिराना। लेकिन ब्रैकेंस जो है हाउस ऑफ टारगेरियन को सर्व करना चाहते हैं, किंग्स लैंडिंग वाले हाउस ऑफ टारगेरियन को, लेकिन ब्लैकवुड जो है अपनी नी या घुटने टेक दिए हैं अपने डेमन टारगेरियन के साथ, लेकिन डेमन वही हथखंडा अपनाता है जो एज यूजुअल अपनाते हुए आया है, धमकाना, डरा धमका के ड्रैगन की ताकत दिखा के अपने से सामने वाले राइवल्स को नीचे दबाना। उसने ब्रैकेंस के साथ भी यही करने की कोशिश करी, लेकिन ब्रैकेंस ने भाई बड़े साहस का परिचय दिया और वहाँ पर उन्होंने सीधे डिनाई कर दिया उसके ऑफर को। लेकिन डेमन जानता है कि भाई साहब ब्रैकेंस की क्या पावर है, क्योंकि उनमें वो साहस है जो शायद ब्लैकवुड में नहीं है, वो शायद और किसी में नहीं है, वो लॉयलिटी है वो शायद और किसी में नहीं है जो ब्रैकेंस में है। तो भाई ये सब चीज़ में वो पहले ही घिरा पड़ा है और वो अपनी ही चीज़ों में लगा हुआ है, अपनी आर्मी को भी तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ ड्रैगन स्टोन की बात करें तो ड्रैगन स्टोन पर अलग पॉलिटिक्स चल रही है, जहाँ पर अब जो है पूरी वॉर की तैयारी हो चुकी है, अब जो है ये डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव मोड में खेल रहे हैं, जहाँ रेनीरिया टारगेरियन अभी तक फुल डिफेंसिव मोड में चल रही थी, भाई साहब फुल ऑफेंस देखने को मिला है कि यस मैरिज के बाद कोई और ड्रैगन है नहीं, तो उसका साइरेक्स ड्रैगन ही है जो वागार के सामने आ सकता है, उसे टक्कर दे सकता है। देन उसके बाद उसका जो जैकेरिस संत है, फर्स्ट बास्टर्ड ऑफ हर, उसने मना करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत कुछ वो कन्विंस नहीं कर पाया। लेकिन हाँ एक अलग डिप्लोमेसी यहाँ देखने को मिल रही है कि भाई जितने भी ड्रैगन्स हमारे पास है उनके लिए एक राइडर की जरूरत है, यानी ये कि वागार को गिराने के लिए हमारे पास ड्रैगन है। एंड सॉरी फॉर दैट कि मैंने पिछली कुछ एक वीडियो में वर्मीथोर को किंग्स लैंडिंग की तरफ बता दिया था, लेकिन नहीं, ड्रैगन स्टोन में ही ड्रैगन पीठ पर वर्मीथोर भी है, एंड स्वेप स्विंग एक और ड्रैगन है जो ऑलमोस्ट विगार के साइज के हैं। वर्मीथोर के अगर बारे में बताऊं तो भाई साहब बहुत पावरफुल ड्रैगन है, 100 साल से भी ज़्यादा ये पुराना ड्रैगन है, ओल्ड ड्रैगन है जो बिल्कुल विगार को टक्कर दे सकता है, बट इसके पास क्या नहीं है, राइडर नहीं है। तो फिलहाल के लिए रेनीरिया को भाई साहब सिर्फ राइडर्स की ज़रूरत है, जो प्योरली टारगेरियन या फिर वलेरियन जो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड में, उसके पास फिलहाल ऐसा कोई यंग मैच्योर राइडर नहीं है। एक रीना है, बट रीना का एक डार्क हिस्ट्री है, दैट्स वाई कि वो उसे वो ड्रैगन्स देना नहीं चाहती है। लेकिन हाँ, हाउस ऑफ टलीज, हाउस ऑफ टायरेंट, जिन जहाँ से टारगेरियंस ब्लड जो मैसअप हुआ है, मिक्सचर हुआ है, वहाँ पर अपना जैकेरिस जो है एक अच्छी डिप्लोमेसी, एक अच्छी पॉलिटिक्स निभाने की कोशिश करता है और एक अच्छा आइडिया अपनी मम्मी को देने की कोशिश करता है कि यस वहाँ से हम एक राइडर ले सकते हैं और वेगार के सामने लड़ सकते हैं। तो फिलहाल एपिसोड 5 में इतना कुछ नहीं था, बट स्टोरी बिल्डिंग था, लेकिन एक्साइटेड था भाई, ये होना भी जरूरी था। लेकिन एपिसोड 6 भाई चीख के कह गया है कि भाई यहाँ आपको मिलने वाला है खून का नंगा नाच और कुछ नहीं, क्योंकि ड्रैगन्स मैदान पे उतरने वाले हैं। वेगार तो भाई फुल ऑफेंसिव मोड में है,
क्योंकि एमंड का एटीट्यूड फुल ऑफेंसिव है, फुल वॉरियर एटीट्यूड है, और वो सिर्फ वॉर चाहता है और कुछ नहीं चाहता है बस। बाकी डिफेंसिव में हमारे रेनीरिया टारगेरियन एंड डेमन टारगेरियन ये डिफेंसिव मोड में लड़ने वाले हैं, बट बाकी देखते हैं एपिसोड 6 में क्या होता है, डिटेलिंग पे बात करेंगे भाई साहब वेगार के बारे में, वर्मी थोर के बारे में, एंड एक और जो ड्रैगन है जो मेरे को फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आपको बता दें नीचे जो बता के जाना। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही, और यहाँ तक पहुँच गए तो इसका वीडियो पसंद आए, पसंद आए लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।